नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। हम आपको आज बताएंगे गुड़हल प्लांट से हम एयर लेयरिंग करके गाछ को हम कैसे प्रोटेक्शन करेंगे। दोस्तों, गुड़हल फूल आपको पूरे 1 साल का फूल होता है, पूरा सारा साल फूल देता है। सिर्फ ठंडे के मौसम में देखिएगा, दिसंबर और जनवरी, ये 2 मास इसका फूल थोड़ा कमती होता है। दोस्तों, गुड़हल का ये देखिए, हम एयर लेयरिंग माटी ले रहे हैं, माटी का हम गोल गोल गोलनुमा आकार बना दे रहे हैं और इसको हम बनाएंगे। अभी एयर लेयरिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, कैसे बनेगा। कटिंग से हम लोग जो प्लांट बनाते हैं उसमें गाछ मरने का संभावना रहता है, किंतु आप जो एयर लेयरिंग करेंगे उसमें आपको पूरा मैंने परफेक्ट रिजल्ट आता है। बाई चांस कोई मिस्टेक किया तो किया, नहीं तो आपको 100 में 98 हो जाएगा, 2 ठो नहीं होगा। इसके लिए देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको काटने से पहले हम डिटॉल देकर के साफ कर रहे हैं चाकू को। डाल है, डाल को हम पहले हिसाब करके जहाँ गांठ है देखिए दिखाएंगे हम। ये देखिए पत्ता थोड़ा हल्का करना पड़ता है, क्योंकि अगल बगल में पत्ता रहेगा आपको डिस्टर्ब होगा, इसलिए डाल को थोड़ा पत्ता हल्का कर देंगे। और मेरा जो कलम होगा उसका जो लेयरिंग के अंदर एनर्जी भी ज़्यादा मिलेगा। यहाँ जैसे हम देखेंगे जहाँ पर गांठ था, गांठ के पास से लगभग 1 इंची हम एक गोल घुमाएंगे चाकू को, 1 इंची का लगभग का हमको छाल हटाना होगा, ऊपर का परत का छाल, पूरा ज़्यादा डीप नहीं करना है। ऐसे हटा दिया, छाल को काटेंगे। जिस तरीके से काट रहे हैं उसी हिसाब से काटना है, छाल जैसे उसको हटा दिया। छाल हटाने के बाद इसके ऊपर हमको हार्मोन्स पाउडर देना होगा, कोई भी कंपनी का, जो हार्मोन्स पाउडर अच्छी तरह से लगाना होगा। दोस्तों, एयर लेयरिंग आप जो करेंगे उसको असल टाइम होता है जुलाई, अगस्त और सितंबर। इस महीने में करने से आपको लगभग 40 दिन के अंदर आपको ये जो गाछ का जो लेयरिंग है पूरा तैयार हो जाएगा। ये जो माटी हम लिए और इसको चाप दिए ऐसा से, क्योंकि हिलना नहीं चाहिए, हिलने से इसका रिपोर्ट सही नहीं आएगा। अच्छा से मिट्टी को हम बैठाएं, उसको इसके ऊपर प्लास्टिक का एक परत देंगे, प्लास्टिक का टुकड़ा है, अच्छे तरह से पूरा गोल घुमा करके देखिए, इसके अंदर हवा नहीं जाना चाहिए। एयर लेने का मतलब यही हुआ, हवा नहीं जाना चाहिए, सही ढंग से बांधने पड़ता है। इसके लिए जो रस्सी बांधेंगे पूरा टाइट करके बांधना होता है, बांध करके अच्छा से उसको चाप दें।
ये देखिए, हम जो इसको काट लेंगे, डोरी को काट देंगे यहाँ से, पूरा टाइट करके बंधाई हुआ, बांधने के बाद इसको हमने काट दिया। इस गाछ के ऊपर हमने टोटल 4 एयर लेयरिंग की है, और इसका आप रिपोर्ट देखेंगे, लगभग 40 दिन हो चुका है, 40 दिन के बाद रिपोर्ट इसका आएगा। अभी हम इसको काट करके आपको निकालेंगे, और 40 दिन के बाद का रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे कैसा तो इसके अंदर जड़ जो आया है। फिर उसको जब हम डाल काटेंगे, उसके पहले उसको हम डिटॉल से साफ कर लिए। ये देखिए, जहाँ पे एयर लेयरिंग है उसको ठीक 1/2 इंची नीचे से, हम नीचे की तरफ से काट ले रहे हैं। फिर वहाँ से हमारा दूसरा जो डाल हो जाएगा और आपका फूल देने लगेगा। इसमें हम टोटल 4 डाल में एयर लेयरिंग किए थे। अब इसको डोरी को आसानी से आस्ते करके, कोई ब्लेड हो तो काटिए या चाकू है चाकू से ही काटिए। जड़ जो उसमें आया है, जड़ को हिलना नहीं चाहिए, हिलने से नष्ट हो जाएगा जड़, तो बहुत नरम होता है। डाल को हल्का कर लेंगे, क्योंकि ये जो हम लगाएंगे एयर लेयरिंग को, फिर जो डाल हिल जाएगा तो हमारा गाछ खराब हो सकता है, तो इसलिए डाल को हम पूरा हल्का कर देंगे। देखिए, प्लास्टिक हटा के हम दिखाएंगे आपको जड़। ये देखिए, जड़ जितना है गाछ, एक लगने के लिए बहुत जड़ है, गाछ आसानी से लग जाएगा। इसका जो है मिट्टी सही होना चाहिए, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में लगाएंगे, ज़्यादा हमको मिट्टी में कोई खाद नहीं देना है, मिट्टी के अंदर कोई ज़्यादा रासायनिक नहीं देना है, प्लेन मिट्टी में लगेगा, मिट्टी और कंपोस्ट मिलाकर। दोस्तों, जो ज़्यादा आपको कॉटली जाति का जो जावा गाछ है, जावा यानी गुड़हल गाछ, उसको हम लोग कटिंग के द्वारा नहीं कर पाते हैं, उसको हमको एयर लेयरिंग के द्वारा आसानी से कर पाते हैं। समझिए, एक दुर्लभ जाति का जो है गुड़हल का प्लांट हम खरीद कर लाए, 120 रुपया पड़ा। अब उसके द्वारा यदि हम 5 बना देते हैं तो हमको कितना उससे लाभ होगा। उसको हमको आसानी से काटने होगा, काटने के समय थोड़ा सावधानी रखना, हम आपको बोल चुके हैं, जड़ को टूटना नहीं चाहिए, जो जड़ है प्लास्टिक के अंदर।
दोस्तों सिर्फ चार में से हमको यही एक ठो गाछ है जो पूरा अच्छा नहीं होना सका, फिर भी आ रहा है, देखिए जड़ अंदर से निकल रहा है। हम इसको लगाएंगे, होगा ये 100% होगा। जो सादा दिखाई दे रहा है उजला रंग, वो जड़ ही है, जड़ अभी वहाँ से अभी निकल रहा है, किंतु बाकी तीन में बहुत अच्छा हुआ है। इसके अंदर जड़ देखिए, जड़ इसमें भी अच्छा है, ये वाला भी गाछ मेरा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लास्ट जो देख रहे हैं थोड़ा छोटा डाल है, डाल थोड़ा सा मोटा हो गया है, इसको जब भी ईयर लेयरिंग करेंगे देखेंगे बच्चा जो पेंसिल लिखता है पेंसिल का उतना मोटा होना चाहिए। तीन डाल देखिए पेंसिल जितना है सही है, चौथा डाल थोड़ा सा मोटा हो गया, इसके कारण हमको रिजल्ट सही नहीं देने सका। हम इसको लगा रहे हैं, देखिए कोटिंग करेंगे, नीचे जो होल होता है होल के ऊपर हमको कंकड़ रखना है, यानी जो पॉट फट जाता है उसका टुकड़ा, और मिट्टी लेंगे लीफ कंपोस्ट है ये वाला जो हम यहाँ सामने रखे हैं काला वाला, और ये वाला मिट्टी है, मिट्टी को छान करके रखे हैं, इसके अंदर कोई कंकड़ नहीं है, कोई दूसरा फालतू चीज़ नहीं है। स्टार्टिंग में जब आप कोई भी पौधा लगा रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, लगाने के टाइम कोई भी कलम या कोई भी एयर लेयरिंग है उसको आप लगाइए, लीफ कंपोस्ट मिट्टी, इसको अच्छा से सूखना सूखा होना चाहिए। इसके अंदर हम जो नीम का खली होता है नीम के पाउडर वाला उसको हम दे रहे हैं, इसके अंदर यदि कोई फंगस होगा हट जाएगा। मिट्टी को और कंपोस्ट को अच्छा से मिलाएंगे, इसके अंदर जो नीम खली है वो भी अच्छा से मिलेगा, उसके बाद हम गाछ को बैठाएंगे। पॉट के अंदर लगभग हाफ गमला से थोड़ा कम मिट्टी लेते हैं स्टार्टिंग में, ये देखिए। उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा डीएपी जो होता है डीएपी का अंदर में 5 दाना दे रहे हैं, क्योंकि मेरा जो जड़ होगा वो थोड़ा सही ढंग का होगा, जल्दी होगा, हमको सहायता करता है जड़ को बढ़ाने में डीएपी। डीएपी साधारण खाद है, आपको कहीं भी मिल जाएगा आसानी से। ये देखिए हम मिट्टी उसके पॉट के अंदर में भर दे रहे हैं, मिट्टी को अच्छा से मिला लेंगे, इसके अंदर जो कोई कंकड़ दिखाई दे रहा कंकड़ वो बाद कर दें, क्योंकि नया प्लांट है नया गाछ है इसका, जिसमें जड़ आने में कोई कठिनाई ना हो। इसके अंदर एक डीएपी हम दे रहे हैं 5 दाना 7 दाना, वो जो गमला है गमला हिसाब से, 8 इंची है तो 8 दाना, 10 इंची है तो 10 दाना, ज़्यादा खाद नहीं देना है। मिट्टी का ये हिसाब है, आप हाफ गमला से थोड़ा सा कम लें, उसके बाद वहाँ गाछ रखें, गाछ को रख करके हाथ से स्ट्रेट पकड़े पूरा सीधा, चारों तरफ से माटी भर के उसको, देखो दोस्तों हमने बैठा दिया, यहाँ पर मेरा चार पॉट है और इसके ऊपर हम जो है वाटर कैन से जो है झारी पानी जो होता है उससे देते हैं, मोटा पानी देने से उसको गाछ हिल सकता है या गाछ खराब होने का डर रहता है, इसलिए हमको जब भी दें कोई भी आपको झारी पानी हो उसी में दें। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, और नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।